हमको इतना लोग चाह रहे हैं, आपने उनको टिकट नहीं दी, उनको किशोरी लाल के नॉमिनेशन में भेज देते कम से कम, कुछ तो इज्जत बनती उनकी कि भाई चलो दमाद आया। पुराने जमाने में जमींदार लोग होते थे, अपने मुंशी मुनीम को भेज देते थे कहीं, बोले जाओ तुम देखो, क्या हम तो नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ और 11 रुपया हमारी तरफ लिखा देना, कहना ठाकुर साहब नहीं आएंगे। सुषमा स्वराज का बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ और शिद्दत का आलम यह कि 7 दिन के भीतर सुषमा स्वराज कन्नड़ बोलने लगी थी। काला बैग लेके जो आए थे, उतरे थे जहाज से, रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आपने टिकट नहीं दी, हालांकि वो भी कह रहे थे कि मेरी भी बड़ी मांग है, सब तरफ का हजारों कार्यकर्ता मुझे परेशान किए कि आओ। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की मीडियम में वायनर से चुनाव समाप्त हो गए हैं और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की तरफ प्रस्थान हो चुके हैं और चमचे सपाटे जो भी कांग्रेसी है वो ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी से 2019 का बदला लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो डर गए। मोदी जी ने यही कहा कि डरो मत, ये राहुल गांधी जी पहले कहते थे कि डरो मत, अब मोदी जी इनकी खिंचाई करने लगे हैं कि डरो मत, लेकिन यह डर रहे हैं। तो आज की डिबेट इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर होने वाली है, तो आज की डिबेट बहुत फनी और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो ये सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जवाहरलाल नेहरू बड़े इसलिए हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 4-5 दफा बड़े जोखिम उठाए, उस स्तर के जोखिम जिनके बारे में दूसरा कोई विचार करे तो पसीना आ जाए। इंदिरा गांधी देश की बड़ी नेता, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इसलिए हो पाई कि उन्होंने जोखिम उठाया, चाहे गलत सही मैं नहीं जा रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बड़ा जोखिम था, 71 की लड़ाई बड़ी जोखिम थी, इमरजेंसी इंपोज करना बड़ा जोखिम था, लेकिन उठाया। क्या राहुल गांधी अवसर, इतिहास ने उनको अवसर दिया, समय के चक्र ने उनको अवसर दिया और राहुल गांधी चूक गए? कोई आदमी बड़ा नेता नहीं हुआ जितने 35-40 साल में मैंने देखा और जितनों को पढ़ा, जो वक्त पर भाग गया हो या पलायनवादी रुख ले ले या सेफ साइड ले ले और फिर वो बड़ा नेता कहलाए। नहीं, आप अपनी पार्टी में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि घरेलू पार्टियां हैं, उनमें आप अध्यक्ष हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं हो सकते और कार्यकर्ताओं के नेता नहीं हो सकते। दीपक मिश्रा, राहुल जी जोखिम तो उठाया ही है ना, यही भाजपा के साथी कहा करते थे हमारे आनंद जी, आनंद लेते हुए कहा करते थे, आनंदमय होते हुए कहा करते थे, आनंद में निमग्न होकर कहा करते थे, संलग्न में नहीं, निमग्न होकर कहा करते थे कि राहुल ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। देखिए मोदी जी की लहर, कोई बड़ा नेता विपक्ष का लड़ ही नहीं रहा है, कोई अड़ ही नहीं रहा है, राहुल जी यहां से आ गए, अखिलेश जी कन्नौज से आ गए, आओ तो फिर अब इसमें क्योंकि भागने का शब्द क्या, लड़ रहे हैं ना, लड़ाई से भाग नहीं रहे। दूसरी बात, अब आइए अमेठी और रायबरेली की बात, जो इनके लिए अमेठी वही इनके लिए रायबरेली, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, जैसे आप कभी कभी अपने घर पे भी अध्ययन कर लेते हैं, कोई किताब लाके दफ्तर में भी कर लेते हैं, दोनों तो ही आपके हैं, चाहे दिल से सोचे चाहे दिमाग से सोचे, सोचना तो उन्हें ही है। अब रायबरेली और अमेठी की जो पृष्ठभूमि है, जी जी, अब आप देखिए रायबरेली में भी देख लीजिए, 52-57 फिरोज गांधी जी वहां से लड़े, इंदिरा जी, शीला जी, तो एक परंपरागत सीट, और यही कमोवेश इतिहास अमेठी का भी है। हाँ, थोड़ा अच्छा होता कि अमेठी को भी चुनते, लेकिन ठीक है, जो चुन लिया सो चुन लिया। दीपक जी, यहाँ दो बातें इतना सरलीकृत बात है, मैंने कहा कि अगर यही 52 साइड पर लेकर ये करना है तो फिर कुछ लगता है पंडित जी का उपाय निकाल देते ना, मुझे मान लेता तो हो, आपको बता दो फिर सीधे वही कितने लगा लेते राहुल बाबा, संकट का पता, संकट का डर कैसे पीड़ा भूल भुजा गई हो, संकट नहीं आएंगे क्या?
मुझे केएल शर्मा की स्थिति वही लग रही, मैं उनसे परिचित हूं, मेहनती आदमी है, 40-42 साल से सेवा में है आपकी, मतलब गांधी परिवार की, क्या? अब वो तो खुद कहते थे केएल शर्मा, एक बार हमसे कहा था कि भैया हम चुनाव लड़ने वाले आदमी थोड़े, हम तो मैनेजर हैं, हम लड़ने वाले आदमी हैं, हम नेता नहीं, क्या? आज आपने बगल में पूरी देश भर की कांग्रेस इकट्ठी कर दी, दे जहाज फुर्सतगंज में फुर्सत ही नहीं मिली, जहाज इतने उतरे, क्या? लेकिन आपने इनके किशोरी जी के नॉमिनेशन में एक भी नेता उपस्थित नहीं किया, और आप कह रहे हो ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। विवेक जी, इनसे अच्छा तो और नॉमिनेशन कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं का हो गया। अमिताभ जी देखिए, किशोरी लाल जी की जो आपने खूबियां बताई, तो उनको लड़ाने का एक ये भी उद्देश्य था अमेठी से, कि वो 40-42 साल से अमेठी के एक एक ब्लॉक से, एक एक न्याय पंचायत से, एक एक गांव से, कार्यकर्ताओं से परिचित थे, सारा काम मैनेज करते थे, तो उनसे बेहतर समझ वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा इतने कम हो नहीं सकता था, इसलिए वहां पे शर्मा जी को लड़ाया गया वहां पे। रही बात जो कांग्रेस के नेताओं के प्रेजेंस की बात है, तो देखिए वहां तो गिने चुने लोग अंदर जाते हैं, सबको मालूम है ये। अरे बाहर भी कोई नहीं था विवेक भाई, बाहर भी कोई नहीं था उनके साथ ना, उनसे कहा टाटा बाय बाय हो गया खड़ा जाओ जी। नहीं, वहां पे स्थानीय जो डीसीसी प्रेसिडेंट वगैरह थे, आपको बड़ा मगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सी नॉमिनेशन की शोभा तो खड़गे जी को बुढ़ापे में इस 44 डिग्री टेम्परेचर में काय तकलीफ दी, वो गमछा सिर में पूरा लपेट के आए थे, इतनी तेज धूप थी, उनको क्यों बुलाया था राहुल गांधी, क्या वहां जिला अध्यक्ष नहीं था क्या? नहीं, देखिए राहुल जी एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, वही मैं वही तो कह रहा हूँ, किशोरी लाल चिंटू है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, किशोरी लाल चिंटू है। देखिए चिंटू सर नहीं, हम कह सकते हैं, अरे हम तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात कह के मन में आगे तो कह दूं, काला बैग लेके जो आए थे, उतरे थे जहाज से रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आपने टिकट नहीं दी, हालांकि वो भी कह रहे थे कि मेरी भी बड़ी मांग है, सब तरफ का हजारों कार्यकर्ता मुझे परेशान किए कि आओ, पूछे क्यों परेशान के, बोले क्योंकि हम जमीन से जुड़े, हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमको इतना लोग चाह रहे हैं, आपने उनको टिकट नहीं दी, उनको किशोरी लाल के नॉमिनेशन में भेज देते कम से कम, कुछ तो इज्जत बनती उनकी कि भाई चलो दमाद आया, आपने उनको भी नहीं भेजा, खैर चलो आपकी मर्जी भैया, आप किशोरी लाल जी ने जब कुर्बानी देने का मन बना ही लिया है तो मेरी शुभकामनाएं है किशोरी लाल जी के लिए। कांग्रेस कह रही है का इंप्रेशन ये है कि राहुल पूरे उत्तर भारत में राहुल गांधी के लिए जीत के लिए अगर सबसे मुफीद कोई सीट थी तो रायबरेली थी, बाकी सब जगह लोचा था। अनौपचारिक बातचीत में कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा भी नहीं करूंगा, वो विश्वास भंग होगा, कि अग्निहोत्री जी अमेठी में राहुल गांधी फंस जाते, क्या बोले? ठीक है, हम ये आक्षेप झेल लेंगे कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन हम वहां फंसने नहीं जाएंगे अमेठी ना, बोले हम गिर जाते, बोले सांस शोक हो जाती भाई अमेठी में, यहां कम से कम वेंटिलेशन तो है रायबरेली में, परिणाम तो 4 जून को आएगा। बहुत सहानुभूति के साथ एक टिप्पणी कर रहा हूं, हर पार्टी में किशोरी लाल जैसों का यही हश्र होता है दीपक भाई, जहां से कह रहा हूं वहीं समझिएगा, क्या उनके नसीब में कभी भीड़ नहीं होती, जलवा नहीं होता, वो मुंशी हैं, मुंशी ही रहेंगे, क्या राजा के घर का नाती भी निकलेगा तो शोभा यात्रा से निकलेगा, दीपक जी गलत तो नहीं कह रहा, मुंशी की शोभा यात्रा नहीं निकलती दीपक जी, हां ना तो बोलो भैया, गलत तो कहने का नहीं, जो लोग चित्र हाँ। है उसको कैसे कोई नकार। और मैं राहुल गांधी पर टिप्पणी क्यों की मैंने, कि उनको बहादुरी दिखानी चाहिए थी, दीपक मिश्रा जी यही प्रश्न है, मैं 1999 में ले चलता हूं, सोनिया जी राजनीति में आने का फैसला किया और उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा, बेल्लारी और यहां से, भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में फैसला किया कि सुषमा स्वराज को सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से लड़ाएंगे, उससे पहले सुषमा स्वराज का बेल्लारी से कोई लेने देना नहीं था, क्या सुषमा स्वराज, मैं उस चुनाव को कवर करने गया था, सुषमा जी लड़ी, शिद्दत से लड़ी, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज का बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ, और शिद्दत का आलम यह है कि 7 दिन के भीतर सुषमा स्वराज कन्नड़ बोलने लगी थी, सोनिया गांधी हिंदी में भी अचकचाती थी, वो कन्नड़ बोल रही थी, मुकाबला ऐसे होता दीपक मिश्रा जी, ऐसा नहीं होता कि तू किशोरी लाल तुम चले जाओ उधर, हम इधर उधर देखेंगे, क्या कितने किशोरी लालों को बलि कराओगे फिर,